गाइस आज मुझे पता चल चुका है कि एक चीट कोड के मदद से हम लोग पूरी सिटी को चेंज कर सकते हैं। तो वो चीट कोड मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जैसे मैंने एक वो चीट कोड डायल करा, वैसे अपनी जो न्यू सिटी चेंज हो चुकी है। और यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो हाउस है वो भी यहां पे देखने को नहीं मिला। पूरी सिटी यहां पे कितनी बड़ी बिल्डिंग आ चुकी है और कितनी ज्यादा बढ़िया भी लग रही है। अगर आप लोग को नहीं पता कि अपने न्यू सिटी चेंजिंग वाला ऑप्शन कौन सा है, अपने सिटी चेंजिंग का ऑप्शन कैसे आप लोगों के सामने आएगा ओल्ड सिटी और न्यू सिटी का, और साथ ही आप लोगों को ये भी बताऊंगा अपनी न्यू सिटी का चीट कोड भी क्या है। और साथ ही मैंने अपने गेम में इसी तरीके से न्यू हाउस को भी ले लिया, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। एंड अपने न्यू हाउस को मैंने कैसे लिया और आप लोग कैसे ले सकते हो, चल मैं आप लोगों को इन दोनों के चीट कोड बता। तो आज की वीडियो काफी अमेजिंग वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड वीडियो काफी अमेजिंग है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो बिना इंडियन बाइक थ्रीट के अंदर की हम लोग अपनी सिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड अपनी सिटी का चेंज करने का हमारा कौन सा कोड है जिसके वजह से हमारी जो न्यू सिटी चेंज हो जाती है, एंड वो चीट कोड काफी सीक्रेट है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसके लिए आप लोग को यहाँ पे अपना फोन निकालना है अपनी न्यू सिटी को चेंज करने के लिए। एंड चीट चेंज करने के लिए आप लोग को सिंपली एक वो चीट कोड डायल करना है जो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीट कोड डायल कर रहा हूँ, एंड जैसे कि मैं आप लोग को वो चीट कोड बाद में बताऊंगा। वो चीट कोड मैंने जैसे ही डायल करा तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। ओ भाई कि ये वाला जो न्यू हाउस हमारे घर के बगल में देखने को मिलता था, और अपना हाउस कहाँ गया यार? ओ भाई यार मेरा हाउस ही गायब हो गया। उसकी जगह देख सकते हो कितना बड़ा हो रहा, कितना ज्यादा बढ़िया हाउस आ चुका है। अबे यार मेरा हाउस कहाँ गायब हो गया? अब न्यू सिटी में देखते हैं क्या क्या न्यू चीज हुआ था और अपनी न्यू सिटी में क्या क्या न्यू आया है। तो मैं एक बाइक को उठा लेता हूँ, एंड बाइक में आप लोगों को दिखाता हूँ। ओ भाई मेरे गेम में यार अपने इसी तरीके से ब्रिज भी आ गया। ओ कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है यार। मैं पहले अपनी जो सिटी को एक्सप्लोर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी सिटी में क्या क्या चेंज हुआ है। और इसी तरीके से मैंने तो काफी तरीके से चेंज कर ली है, एंड वो चीट कोड काफी सीक्रेट है। एंड पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये सिटी में कैसे कैसे चेंज हुआ। ओ भाई यार ये भी आ गया। ओ भाई साहब, एंड मैं आप लोगों को पहले ब्रिज के ऊपर चलते के दिखाता हूँ। उसी के साथ आप लोग इसके अंदर फुटबॉल भी खेल सकते हो, तो फुटबॉल ग्राउंड भी मैं आप लोगों को हाथ लगे दिखा देता हूँ। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपने फुटबॉल ग्राउंड में। तो अपने फुटबॉल ग्राउंड आप लोगों को इजीली तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पहले आप लोगों को अपने फुटबॉल ग्राउंड दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी सिटी को भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अपना फुटबॉल ग्राउंड भी आपको देखने को मिल जाता है, एंड अपने जो इजीली तरीके से ब्रिज भी देखने को मिल जाता है। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंडियन बाइक के अंदर अपना न्यू हाउस को भी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके साथ पहले आप लोगों को अपने ब्रिज के ऊपर जाके दिखाऊंगा कि ब्रिज के ऊपर जाने के बाद हमको कैसा कैसा फील होता है, कैसे अपने इंडियन बाइक के अंदर कैसे हम अपनी सिटी को चेंज कर सकते हैं। सिटी को आप लोग चेंज इजीली तरीके से कर सकते हो, पहले मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पूरी जो चेंज हो चुकी है सिटी भी, और इजीली तरीके से आप लोग भी इसी तरह से अपनी सिटी को चेंज कर सकते हो। और भाई यहाँ पे तुम देख चेक करो कितनी ज्यादा अमेजिंग अपनी जो सिटी लग रही है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि अपनी सिटी के अंदर यहाँ पे जो ब्रिज है उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ, एंड अपनी जो ब्रिज है वो कितने ज्यादा अमेजिंग और कितने ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। एंड अपने ब्रिज के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी भी चल रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई आपने ये सिटी को किस तरह से चेंज करा, एंड अपनी जो सिटी का चीट कोड है वो आपने क्यों नहीं बताया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपना जो न्यू अपडेट है वो एक दो दिन पहले अपना न्यू अपडेट आया था, एंड उसी के अंदर अपने जो न्यू सिटी का चेंजिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा था हमारे गेम में। एंड उसी के अंदर हमको एक अलग तरीके से एक चीट कोड भी मिला था जिसकी वजह से हम लोग अपनी सिटी को भी चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे कि तुम देख भी सकते हो कि कितनी ज्यादा अमेजिंग तरीके से अपनी जो सिटी है वो चेंज हो चुकी है। और अपनी सिटी के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बस स्टैंड का जो वेट करने का होता है, यहाँ पे खड़े होते हैं बंदे, उसी तरीके से आप लोग इजीली तरीके से अपनी न्यू बस को भी ले सकते हो। उसके पहले मैं आप लोग अपनी बस का तो चीट कोड बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक पार्किंग प्लॉट भी देखने को मिल जाता है। पार्किंग प्लॉट में आप लोग देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है आप लोग को देखने को मिल रही है। एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ इंडियन बाइक स्टेट के अंदर कि मैंने अपनी सिटी को कैसे लिया। एंड उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ इंडियन बाइक स्टेट के अंदर एंड हाउस को आप लोग अगर आप लोगों ने चेंज कर लिया, जैसे कि मैं आप लोग को उसका भी चीट कोड दिखा देता हूँ। तो पहले आप लोगों ने अपनी जो सिटी को मैंने आप लोग को दिखा दिया, अपनी सिटी के अंदर काफी अमेजिंग और कितनी ज्यादा बढ़िया भी लग रही है। एंड अपनी जो सिटी है वो काफी मजेदार हो चुकी है। एंड मैं अपनी जो सिटी का मैं आप लोगों को ऑप्शन भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के गेम में अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखने को नहीं मिला, तो गाइस पहले तो मेरे गेम में ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक ट्रिक को लगाया और इसलिए तरीके से मेरे गेम में ये वाला ऑप्शन भी देखने को मिलने लगा। उसी के साथ मेरे गेम में एक जैसे कि मैं एक चीट को डायल करता हूँ तो अपनी जो सिटी है वो भी चेंज हो जाती है। एंड चेंज होने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। एंड सिटी के अंदर पूरा चेंजिंग के बाद आप लोग देख भी सकते हो कितने बड़े बड़े घर वगैरह देखने को मिलते हैं मुझे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ हाथ लगे कि अपनी जो सिटी को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड सिटी का भी चीट कोड क्या है। एंड उसी के साथ मैं आप लोगों को अपना जो हाउस को भी चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने अपना इजी तरीके से अपना न्यू हाउस को चेंज कर लिया, और मैं अपने हाउस को आप इजी तरीके से एंजॉय भी कर रहा हूँ। उसके बगल में आप लोगों को एक छोटे छोटे पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं। एंड मैं आप लोगों को पहले इसके अंदर से दिखा देता हूँ अपना न्यू हाउस अंदर से कैसे देखने को मिलता है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका भी चीट कोड क्या है और आप लोगों के गेम में अपना न्यू हाउस किस तरह से आएगा और अपनी न्यू सिटी को भी कैसे चेंज करना है। और न्यू हाउस के अंदर जैसे आप लोग एंटर करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले तो डाइनिंग टेबल देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे तुमको सोफे वगैरह देखने को मिलते हैं, और इधर की साइड किचन भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आप लोगों को एक एसी लगी हुई देखने को मिली जो
कि हमारे रूम को ठंडा कर रही है। ये रहा हमारा रूम प्यारा सा और कितने ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे पीसी रखा हुआ है और अपना जो टीवी है वो भी देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों के पास कमेंट आते हैं कि भाई अपनी टीवी को हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं, टीवी का भी चीट कोड क्या है। तो भाई तुमको मैं लास्ट में बताऊंगा कि टीवी ओपन होगा या फिर नहीं कर पाओगे इस वाले न्यू अपडेट में, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अपना न्यू हाउस के किचन भी कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है और न्यू किचन में आप लोग खाना भी बना सकते हो। यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है गैस पे खाना भी बन रहा है और कितना ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इंडियन बैकशीट के अंदर आप लोग अपने न्यू हाउस को कैसे ले सकते हो। एंड दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपनी न्यू सिटी को कैसे चेंज कर सकते हो एंड अपनी न्यू सिटी का भी चेंजिंग ऑप्शन आप लोगों के गेम में कैसे आएगा। उसी के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ अपनी न्यू सिटी का भी चीट कोड क्या है एंड जिसकी वजह से आप लोग वो चीट कोड डायल करने के बाद अपनी सिटी को भी इजी तरीके से चेंज कर पाओ। उसी के साथ अपने न्यू हाउस कैसे लिया वो भी बताओ। इन सभी के चीट कोड बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक लगे तो 1K लाइक का छोटा सा टारगेट रखा, आई होप आप लोग 1K लाइक कंप्लीट कर दोगे और सब्सक्राइब भी कर देना। लाइफ टाइम में आप लोगों को ऐसे गेम से रिलेटेड स्पोर्ट बाइट इन्फॉर्मेशन करवाता रहूंगा, तो इतना आप लोग जल्दी से कर दो, कर दिया तो थैंक यू। इतने ज्यादा कमेंट आते हैं अपनी न्यू सिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं एंड अपने सिटी का भी चीट कोड क्या है एंड सिटी का ऑप्शन हमारे गेम में कैसे आएगा, तो चलो आप लोगों को दिखा देता हूं। और जैसे मैं करने वाला हूं वैसे वैसे करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और ध्यान से देखो, ध्यान से अपने गेम में अप्लाई करो, इसी तरीके से अपनी सिटी को भी एंजॉय करो और अपने न्यू हाउस को भी एंजॉय करो, चलो से एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस मैंने रात भर काफी रिसर्च करी तो उसके बाद मैंने इंडियन बैकशीट के अंदर अपनी सिटी को ढूंढ निकाला, लेकिन इंडियन बैकशीट के अंदर आप लोग को ऐसा कुछ भी ऑप्शन आप लोग के गेम में देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि अपनी न्यू सिटी एंड ओल्ड सिटी ऐसा कुछ भी आप लोग के गेम में अपना न्यू ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग इसी तरीके से अपनी सिटी को ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया है। तो मैंने पहले रोहित सर से पूछा कि सर अपने गेम में ये न्यू सिटी एंड अपना ओल्ड सिटी का भी कोई ऑप्शन आएगा, उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं आएगा अभी इस वाले न्यू अपडेट में, इससे अगले अपडेट में भी नहीं आ सकता। अगर आप लोग ऑडियंस चाहेगी इसको भी ऐड करवाना तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना न्यू सिटी ओपी, ठीक है। इंडियन बैकशीट के अंदर अभी आप तक को बता देता हूं कि मैंने अपनी न्यू सिटी को कैसे लिया था, तो उसके लिए आप लोगों को कोई भी चीट को डायल नहीं करना पड़ता। अगर आप लोगों को वो चीज खेलनी है, अपनी न्यू सिटी को एंजॉय करना है और अपने न्यू हाउस को भी एंजॉय करना है, तो उसके लिए तुमको इसको डिलीट मार के और गूगल पे सर्च करना इंडियन बैकशीट ओल्ड वर्जन एंड जैसे तुम डायल करोगे वैसे तुम्हारे सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी एंड इससे जाकर तुम डाउनलोड कर लेना अपना जो ओल्ड वर्जन एंड ओल्ड वर्जन के अंदर ही तुम्हारे इसी तरीके से इसको एंजॉय कर पाओगे एंड ओल्ड वर्जन ही आप लोग इसकी तरह से खेल पाओगे एंड उसी के अंदर अपना न्यू सिटी ये देखने को मिलती है एंड उसी के अंदर तुमको ब्रिज वगैरह देखने को मिलता है। तो कंप्लीटली आज की इंफॉर्मेशन जितनी थी जो मैंने तुमको प्रोवाइड करवा दी एंड आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं यार सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं गुड बाय, टेक केयर।